नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर एचपी और आइए वक्त हो गया हिमाचल प्रदेश के ताजा और बड़ी खबरों को जानने का। बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एवं विस्तार से। उससे पहले आप हिमाचल प्रदेश के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबरें। नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने केंद्र से मांगे एनपीएस के 9242 करोड़। जो नई दिल्ली में शनिवार को हुई नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने केंद्र सरकार से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत जमा 9242 करोड़ वापस मांगे। उन्होंने इसके लिए केंद्र से पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA को निर्देश जारी करने का आग्रह किया। बता दें कि उन्होंने एनपीएस के अंतर्गत पिछले वित्त वर्ष की जमा राशि 1779 करोड़ को वर्तमान वित्त वर्ष की उधार सीमा से कम न करने और 27 मार्च 2023 के निर्माण की समीक्षा का आग्रह किया है। इसके साथ ही उन्होंने भानुपल्ली बिलासपुर ले रेल लाइन के लिए 100% केंद्रीय वित्त पोषण और भूमि अधिग्रहण लागत को राज्य अंशदान के रूप में मनाने का अनुरोध किया। एनटीटी भर्ती में एक साल के डिप्लोमा धारक भी पात्र मान्यता प्राप्त संस्थानों से सर्टिफिकेट भेज दिए। जब प्रदेश में एनटीटी भर्ती का रास्ता साफ हो गया है, वही दरअसल प्रदेश सरकार ने केंद्र से इस मुद्दे को चर्चा करने के बाद यह फैसला लिया है कि ऐसे संस्थान जो एनसीटीई से मान्यता प्राप्त है और 2014 से पहले इन संस्थानों से जिस भी प्रशिक्षु ने एक साल का डिप्लोमा किया है वे भी एनटीटी भर्ती के लिए पात्र होंगे। वहीं बता दें कि शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने सचिवालय में मीडिया से बातचीत में बताया कि यह मुद्दा काफी लंबे समय से चला है। वहीं दिल्ली में भी केंद्रीय शिक्षा मंत्री के साथ इस मुद्दे पर खुलकर चर्चा हुई है। वहीं उस समय भी केंद्र के समक्ष यह अपील की गई थी कि प्रदेश में अधिकतर डिप्लोमा धारक ऐसे हैं जिनके पास एक साल का ही डिप्लोमा धारक है, ऐसे में लंबे समय बाद एनटीटी भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। नौकरियों की शुरुआत, प्राथमिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों के 5300 पद भरने की प्रक्रिया शुरू। हिमाचल के स्कूलों में जल्द ही शिक्षा विभाग खाली पदों पर भर्तियां करेगा। इसमें प्राथमिक शिक्षा विभाग में 5300 पदों पर नई भर्तियां होनी है। इसके साथ ही करीब 2500 पदों पर बैचवाइज आधार पर भर्तियां होनी है। वहीं बता दें कि शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि शिक्षा विभाग जल्द ही इन खाली पदों पर भर्तियां करेगा। इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वहीं विभिन्न कैटेगरी में ये भर्तियां होनी है। इसमें उन स्कूलों में भर्तियां होनी है जहाँ पर स्कूलों में पद खाली चल रहे हैं। ओल्ड पेंशन को आवाज बुलंद, अब पावर कॉर्पोरेशन कर्मचारियों ने भी मांगी ओपीएस। जब बिजली बोर्ड में ओपीएस बहाली का आश्वासन मिलने के बाद अब पावर कॉर्पोरेशन कर्मचारियों ने भी ओल्ड पेंशन के लिए आवाज बुलंद कर दी है। वहीं पावर कॉर्पोरेशन कर्मचारी राज्य सरकार से बिजली बोर्ड और परिवहन निगम की तर्ज पर ही कॉर्पोरेशन में ओल्ड पेंशन बहाल करने की मांग उठा रहे हैं। वहीं बता दें कि हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन कर्मचारी ने ओल्ड पेंशन बहाल करने का आह्वान किया है। इस मौके पर कर्मचारियों ने बिजली बोर्ड में ओल्ड पेंशन लागू करने के फैसले का भी स्वागत किया है। वहीं कर्मचारियों ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने बिजली बोर्ड कर्मचारियों को ओपीएस बहाली का आश्वासन दिया है। इससे कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों में भी अब उम्मीदें जग गई है। एनपीए पर फैसला वापस लेने सरकार बंद करने के विरोध में उत्तरी 3 विभागों के एसोसिएशन। जो राज्य सरकार द्वारा डॉक्टरों के लिए नॉन प्रैक्टिस अलाउंस यानी एनपीए बंद करने को लेकर 3 विभागों की एसोसिएशन इसके विरोध में आ गई है। वहीं बता दें कि आयुष चिकित्सा अधिकारी संघ, डेंटल और रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने सरकार के इस फैसले का विरोध किया है। उनका कहना है कि सरकार का यह फैसला सही नहीं है और इस फैसले का सरकार तुरंत वापस लें। इसमें डेंटल एसोसिएशन के अध्यक्ष रितेश जरियाल ने कहा है कि इस बार कॉलेज में शनिवार को बैठक रखी गई है। इस बैठक में एनपीए के मुद्दे पर चर्चा होगी और आगामी रणनीति तैयार की जाएगी। वहीं बता दें कि इस मामले में वहीं सरकार पर हिमाचल प्रदेश आयुष चिकित्सा अधिकारी संघ ने भी एनपीए के फैसले को बंद करने का विरोध किया है। एनपीएस के आभार समारोह को तैयार होने लगा धर्मशाला। 28 को 1 लाख मुलाजिमों की रैली करवाने का प्लान। जो नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ ने धर्मशाला में होने वाली आभार रैली के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। वहीं करीब 1 लाख कर्मचारियों को रैली में लुभाने की योजना से काम कर रहे हैं। वहीं एनपीएस कर्मचारी महासंघ के 100 से अधिक पदाधिकारी धर्मशाला में तैयारियों में जुटे हैं, जबकि शनिवार तक इसकी संख्या 300 से अधिक हो जाएगी। वहीं बता दें कि सभा स्थल से लेकर पूरे शहर को सजाने की तैयारियां चल रही है। वहीं एनपीएस कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर का कहना है कि धर्मशाला में होने वाली आभार रैली में प्रदेश भर के हर जिले से कर्मचारी इस रैली में भाग लेने वाले हैं। उन्होंने बताया कि करीब 40 से 50 हज़ार कुर्सियां लगाई जाएंगी। वहीं 20 मई को सुबह 11:15 से दोपहर 2 बजे तक कार्यक्रम चलने वाला है। इसके लिए पार्किंग सहित अन्य व्यवस्थाओं में कांगड़ा जिला प्रशासन भी तैयारियां कर रहा है, जिससे विभिन्न राज्यों से यहां आने वाले कर्मचारियों को किसी तरह की परेशानी से न जूझना पड़े। वहीं कर्मचारियों को पार्किंग स्थलों की जानकारी मुहैया करवा दी जाएगी। 4 लाख इनकम तो सस्ता एजुकेशन लोन, मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के लिए तैयार हुआ ड्राफ्ट। जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू के पहले बजट में एजुकेशन लोन के लिए घोषित 200 करोड़ रुपए की नई योजना का ड्राफ्ट तैयार हो गया है। इस ड्राफ्ट पर 6 जून को प्रस्तावित कैबिनेट में मंत्रिमंडल अंतिम फैसला लेगा। वहीं बता दें कि नई बात यह है कि हिमाचल में 1% ब्याज दर पर एजुकेशन लोन जैसी स्कीम पहली बार आ रही है। वहीं मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने शिक्षा विभाग के साथ इस योजना पर बैठकों का सिलसिला पूरा कर लिया है। वहीं सूत्र कहते हैं कि 1% ब्याज दर पर एजुकेशन लोन इकोनॉमिक वीकर सेक्शन यानी EWS के मापदंडों के हिसाब से मिलेगा। जिस परिवार की सालाना इनकम 4 लाख तक होगी उसके बच्चों को यह लोन सुविधा मिल जाएगी।
मुकेश बोले अपनी गाड़ियों इलेक्ट्रिक में बदलना चाहते हैं तो सरकार देगी सब्सिडी। जे उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि आने वाले समय में परिवहन विभाग में इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल किया जाएगा। वही 100% नहीं खरीद रहे हैं, वही लोग भी अगर अपनी गाड़ियों को इलेक्ट्रिक में बदलना चाहते हैं तो सरकार 50% सब्सिडी देगी, वही चाहे ट्रक बदलने हो या बस, वही सभी को यह सब्सिडी मिलेगी। वही हिमाचल में इस वक्त 21 लाख गाड़ियां हैं, हर साल 15% गाड़ियां बढ़ रही है। वही रफ्तार देखें तो 16 लाख के आसपास लाइसेंस बना लिए हैं। वही बता दें कि 1.25 लाख महिलाओं ने भी लाइसेंस बना लिए हैं। हिमाचल में जैविक संसाधनों के इस्तेमाल के लिए लेना होगा अनापत्ति प्रमाण पत्र। हिमाचल प्रदेश जैविक विविधता अधिनियम 2002 के क्रियान्वयन को हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है। वहीं बता दें कि अदालत ने आदेश दिए हैं कि वन, आयुष और कृषि विपणन बोर्ड को जैविक संसाधनों के इस्तेमाल के लिए जैविक बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा। वहीं अदालत ने स्पष्ट किया है कि आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी और होम्योपैथी दवाइयों को निर्यात परमिट जारी करने से पहले NOC जारी करेगा। वहीं मामले की सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया है कि हिमाचल प्रदेश वन निगम ने सरकार से गुहार लगाई है कि बिरोजा, तारपीन और कत्था उद्योगों को जैविक अधिनियम 2002 से बाहर रखा जाए। वहीं बता दें कि अदालत ने स्पष्ट किया है कि इस बारे में निर्णय लेने से पहले दोनों पक्षों की सुनवाई करनी जरूरी है। वहीं अदालत ने इस मामले की सुनवाई के लिए मामले को 30 मई के लिए सूचीबद्ध किया है। हिमाचल तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने जारी की पेट की आंसर की। हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड धर्मशाला की ओर से 21 मई को आयोजित करवाई गई बहुतकनीकी प्रवेश परीक्षा यानी कि पेट की आंसर की को बोर्ड ने जारी कर दिया है। वहीं बता दें कि हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड के सचिव RK शर्मा ने बताया कि पेट की आंसर की को बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दिया गया है। अब कुल्लू के प्लाइन डोभी साइट से भी उड़ान भरेंगे मानव परिंदे, विधायक ने किया शुभारंभ। जे प्लाइन डोभी साइट से पैराग्लाइडिंग शुरू हो गई है। वही शनिवार को मनाली के विधायक भुवनेश्वर गौड़ ने साइट का विधिवत शुभारंभ किया। वहीं बता दें कि अब यहां पर मानव परिंदे उड़ते हुए नजर आएंगे। वही प्लाइन से उड़ान भरने के बाद पर्यटक डोभी में लैंड करेंगे। वहीं एक फ्लाइट के करीब 3500 रुपये अदा करने होंगे यहां से वहीं तक। वहीं पैराग्लाइडिंग साइट शुरू होने से युवाओं को रोजगार मिलेगा और क्षेत्र में साहसिक गतिविधियों का भी बढ़ावा मिलेगा। वहीं बता दें कि विवाद के चलते काफी समय से पैराग्लाइडिंग गतिविधियां बंद थी। भांग से बनाई जाएंगी कैंसर आदि बीमारियों की दवाइयाँ। जब प्रदेश में दवाइयाँ बनाने और उद्योग के लिए भांग का इस्तेमाल किया जाएगा। वे भांग से कैंसर आदि बीमारियों के लिए दवाइयाँ बनाई जाएंगी। यह दवाइयाँ वर्तमान में अमेरिका और अन्य देशों से आ रही है। वहीं कहा गया कि अन्य राज्यों की पॉलिसी का अध्ययन करने के बाद हिमाचल सर्वश्रेष्ठ पॉलिसी लेकर आएगा। यह बात कुल्लू में शनिवार को मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर ने प्रेस वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने एक कमेटी का गठन किया है। इसमें मंत्री जगत सिंह नेगी, डॉक्टर हंसराज, डॉक्टर जनकराज, विधायक सुरेंद्र सोरी और केवल सिंह पठानिया सदस्य हैं। वहीं कमेटी ने उत्तराखंड का दौरा किया। यहां रिसर्च सेंटर से भी भांग के विभिन्न कंपोनेंट के बारे में विस्तार से जाना है। वह कमेटी ने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स के मुख्य कार्यालय में भी अधिकारियों से बातचीत की। सचिवालय कर्मियों के लिए RD FDR की ब्याज दर में बढ़ोतरी। हिमाचल प्रदेश सचिवालय कर्मचारी सहकारी ऋण एवं बचत गैर कृषक सभा समिति ने कर्मचारियों के लिए RD और FDR की ब्याज दर में 1% बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। वह सचिवालय में आयोजित सभा समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया है। वहीं बता दें कि अब RD में 8% जबकि FDR में 8.50% ब्याज लगेगा। वहीं पहले RD में 7% जबकि FDR में 7.5% ब्याज था। वह समिति के इस फैसले से सचिवालय के 1600 कर्मचारियों को फायदा होगा। वहीं बता दें कि सभा के अध्यक्ष राजेश भारद्वाज ने कहा कि सभा समिति की सालाना 45 करोड़ रुपए की टर्नओवर है। वह कर्मचारियों को 8 लाख रुपए तक लोन देने का फैसला लिया गया है। अब सरकारी भूमि पर बने भवनों के मुआवजा आवंटन की होगी रिकवरी। जे किरतपुर नरचक फौरन परियोजना में सरकारी भूमि पर बने भवनों के लिए किए गए मुआवजा आवंटन की रिकवरी करने के लिए प्रधान सचिव राजस्व सरकार हिमाचल प्रदेश में उपायुक्त बिलासपुर, उपायुक्त मंडी को निर्देश दिए हैं। वही उपायुक्त इस मामले में कार्रवाई करेंगे। उस बता दें कि उस कार्रवाई से प्रधान सचिव राजस्व सरकार हिमाचल प्रदेश के साथ फौरन विस्थापित एवं प्रभावित समिति को भी अवगत करवाना होगा। वही बता दें कि इसकी पुष्टि संयुक्त सचिव राजस्व ने अपने कार्यालय के पत्र संख्या RD 7/3/2023 में की है। इसकी एक प्रति फौरन विस्थापित एवं प्रभावित समिति को भी भेजी गई है। वही बताते चलें कि निर्माणाधीन किरतपुर नेचक फौरन में NHAI ने उन मकान मालिकों को करोड़ों रुपए का मुआवजा आवंटन कर दिया है जो कि सरकारी भूमि पर निर्मित थे। जयराम सरकार के खुले 90 और स्कूलों पर लगेगा ताला, मंडी जिले के सबसे ज्यादा स्कूल। जब प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने पूर्व जयराम सरकार के समय में अपग्रेड किए गए 90 और स्कूलों को डीनोटिफाई कर दिया है। ये वे स्कूल हैं जो पूर्व की जयराम सरकार ने अपने कार्यकाल के आखिरी समय में यानी 1 अप्रैल 2022 के बाद अपग्रेड किए थे। इन स्कूलों में कम एनरोलमेंट को आधार पर बनाकर डीनोटिफाई करने का फैसला सरकार ने किया है। वही बता दें कि जिन स्कूलों को बंद किया गया है उसमें सबसे अधिक 30 स्कूल मंडी जिला के हैं। इससे पहले भी सुखविंदर सिंह सरकार पूर्व सरकार के समय में खोले या अपग्रेड किए गए 302 स्कूलों को डीनोटिफाई कर चुकी है।
जस्टिस एमएस रामचंद्र राव होंगे हिमाचल हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, अधिसूचना जारी। जे पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति एमएस रामचंद्र राव हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। वही बता दें कि इस साल अप्रैल महीने में सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने उनके नाम की सिफारिश की थी। उसके बाद 26 मई शुक्रवार को उन्हें हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर नियुक्ति करने से संबंधित अधिसूचना जारी कर दी गई है। वे जल्द ही अपना कार्यभार संभालेंगे। हिमाचल की बेटियों ने कबड्डी में लगातार तीसरे साल जीता पदक। जे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण में शनिवार को खेले गए महिला कबड्डी के फाइनल मुकाबले में 2 अंकों से चूककर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की टीम ने रजत पदक अपने नाम किया। वहीं बता दें कि इन खेलों में टीम का यह लगातार तीसरा पदक है। वहीं टीम ने पहले संस्करण में स्वर्ण और दूसरे संस्करण में रजत पदक जीता था। भाखड़ा विस्थापितों को एम्स के पास बसाने की तैयारी। जब बिलासपुर शहर में प्लॉट से वंचित 270 भाखड़ा विस्थापितों को बसाने के लिए कसरत शुरू हो गई है। वह इस बाबत जिला प्रशासन ने एम्स के समीप चंगर पलासी में खाली पड़ी राजस्व विभाग की 256 बीघा जमीन का चयन किया है और अतिरिक्त उपायुक्त डॉक्टर निधि पटेल की अगुवाई में अफसरों की एक टीम ने स्पॉट विजिट कर प्लॉट तैयार करने को लेकर संभावनाएं तलाशी है। वहीं बता दें कि पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों को जल्द से जल्द वंचित जमीन की फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कर प्रेषित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद ही अगली कार्य योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा। वहीं अभी तक 118 भाखड़ा विस्थापितों को प्लॉट आवंटित किए जा चुके हैं, जबकि से 245 विस्थापितों को प्लॉट आवंटन को लेकर पिछले कई सालों से प्रक्रिया जारी है, मगर उपयुक्त जमीन उपलब्ध न होने की वजह से यह प्रक्रिया आगे से आगे खिसक दी गई। इस आंकड़े में 25 और विस्थापित जुड़े हैं, जिसके बाद विस्थापितों की संख्या अब 270 हो गई है। प्रदेश में अवैध खनन और नशे पर कसा शिकंजा, डीजीपी संजय कुंडू बोले पुलिस की कड़ी कार्रवाई से माफिया में हड़कंप। जे राज्य में अवैध खनन व मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ पुलिस प्रशासन कड़े कदम उठा रहा है। यह बात हिमाचल प्रदेश पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने पुलिस लाइन झजड़ा में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। उन्होंने कहा कि पिछले 5 माह के दौरान प्रदेश भर में अवैध खनन करने वालों के 2156 चलान कर 1,54,64,670 रुपये जुर्माना वसूला है। वहीं बता दें कि अवैध खनन के 563 मामले न्यायालय में पेश किए गए हैं तथा 101 वाहन जब्त किए हैं। इस कार्रवाई के तहत ऊना जिले में अवैध खनन के 272 चलान कर 22,56,020 रुपये का जुर्माना वसूला है। चलिए चलते आज की आखिरी खबर। मंडी में गरजे पूर्व मुख्यमंत्री बोले जयराम का दौर खत्म नहीं फिर आएगा। जयपुर मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि ग्रामीण मेले आपसी भाईचारे, समृद्धि, संस्कृति के संवाहक और सौहार्द बढ़ाने वाले होते हैं। इनके आयोजन में राजनीति करना शोभा नहीं देता है। वह दुर्भाग्य से इस सरकार ने सत्ता में आते ही ग्रामीण मेले करवाने का अधिकतर कई जगह स्थानीय पंचायतों और निकायों से छीनकर अपने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के हाथ में सौंपना शुरू कर दिया है, जो अपनी मनमानी कर मेले का राजनीतिकरण करने में लगे हैं। उन्होंने कहा कि मैं बाली चौकी मेला कमेटी को बधाई देता हूं कि आपने इस मेले में सबको साथ लेकर अच्छा आयोजन किया है और मुझे इस मेले में आने का मौका दिया है। दोस्तों, आज की खबर का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय हिमाचल।